क्या आप अपने टूरिस्ट वीज़ा को न्यूजीलैंड आने के बाद वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा सकते हैं? अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब ना है, लेकिन इसके कारण क्या हैं और इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। और साथ ही में अगर आप विज़िटर वीज़े पर आते हैं तो विज़िटर वीज़े को आप वर्क परमिट में ज़रूर कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टूरिस्ट वीज़े की। तो अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसी किसी आसपास की कंट्री से आते हैं, इंडिया की जो नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ से आप आते हैं, तो आप अपना जो विज़िटर वीज़ा है वो वर्क वीज़े में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़े में ऑलरेडी वहाँ पे कंडीशन लिखी होती है कि जब आप यहाँ पे एंटर हो जाएंगे तब आप लीगली यहाँ पे काम नहीं करेंगे और ना ही आपका वीज़ा कन्वर्ट होगा वर्क परमिट में। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक हॉलीडे वर्किंग वीज़ा होता है जिसमें आप यहाँ पे आ सकते हैं, अगर आप घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप काम भी करना चाहते हैं तो आप काम भी कर सकते हैं। तो वो जो वीज़ा है वो यहाँ पे हमारी इंडिया, पाकिस्तान या नेबर कंट्रीज़ हैं इनको ये वीज़ा नहीं मिलता है। ये एशिया की कुछ कंट्रीज़ हैं उन्हीं के लिए ये वीज़ा वैलिड है, जैसे कि फ़िलीपींस हो गया, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, और इस टाइप की जो भी कंट्रीज़ है वहाँ से लोग यहाँ पे आ सकते हैं, रह भी सकते हैं, और यहाँ पे अगर वो काम करना चाहते हैं तो वो काम भी कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि आप अपने टूरिस्ट वीज़े को वर्क परमिट में क्यों नहीं कन्वर्ट करवा सकते। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, तो वो हज़ारों डॉलर खर्च करते हैं, मतलब इंडिया के आप लगा लीजिए 20 से 25 लाख रुपए वो खर्च करके आते हैं। और उसी अगर हम उसी वे में देखें दूसरी तरफ, तो आप आएंगे इंडिया से एज अ टूरिस्ट वीज़ा, आप 200 या 300 डॉलर खर्च करेंगे और आप उतने में आ जाएंगे, और वहीं वो 20 से 25,000 डॉलर खर्च करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट आ रहा है उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, उनको हेल्प मिल रही है उनकी इकोनॉमी में। वहीं दूसरी तरफ जब आप आ रहे हैं तो उनसे आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, आप सिर्फ 300 डॉलर खर्च करके यहाँ पे आ रहे हैं और आप यहाँ पे जॉब ले लेंगे अगर आने के बाद, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा जो स्टूडेंट वीज़े पर हैं उनके लिए भी, और जो यहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो इसी कारण गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको हम वर्क परमिट में नहीं कन्वर्ट करवाएंगे क्योंकि उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका यही रीज़न है। तो स्टार्टिंग में हमने अल्टरनेटिव्स की बात की थी, तो वो अल्टरनेटिव्स क्या हैं, ठीक है, तो उसके दो ही अल्टरनेटिव्स हैं कि पहला तो आप एज ए स्टूडेंट आ सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप अपना वर्क, आप वहीं से ही वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इंडिया से स्ट्रेट। तो चलिए अब हम इसके बारे में आगे जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमने एक वीडियो बनाई है, अगर आप एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं न्यूजीलैंड तो उसके लिए हमने वीडियो बनाई है कि आपके कितने एक्सपेंसेस होंगे, आपको कितना खर्चा लगेगा न्यूजीलैंड आने के लिए, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो उसके अलावा हमने एक वीडियो लिस्ट भी, प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, 102 गाइड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं, आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगी। जो आप अगर आना चाह रहे हैं न्यूजीलैंड तो आपको काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और ऐसे ही हम फ्यूचर में काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस बनाने वाले हैं, प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, तो आप बने रहिए इस चैनल पे। और जो दूसरा अल्टरनेटिव है वो है सीधे वर्क वीज़ा। आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, लाइक इंडिया, पाकिस्तान या जो भी नेबर कंट्री हैं इंडिया की, तो वहाँ से आप सीधे वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। और वो जो वीज़ा है वो आपको यहाँ से कोई स्पॉन्सर करता है तभी वो आपको मिलता है। लेकिन अगर आप और जानना चाहते हैं इसके बारे में कि आप कैसे सीधे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं इंडिया या किसी और भी कंट्री से, तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं बहुत ही जल्दी, और उसमें हम आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो एज अ स्टूडेंट वीज़ा आना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो वो सीधा वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं अपनी कंट्री से, ठीक है, क्योंकि हम भी क्यूरियस हैं जानने के लिए कि आप में से कितने लोग हैं। तो अभी हमने बात कर ली टूरिस्ट वीज़े की, हमने बात कर ली वर्क वीज़े की, लेकिन इन दोनों के अलावा एक और वीज़ा होता है जो होता है विज़िटर वीज़ा। तो विज़िटर वीज़ा क्या होता है? विज़िटर वीज़ा ये होता है कि अगर आपकी फ़ैमिली ऑलरेडी न्यूजीलैंड में रह रही है, आपके कोई भी फैमिली मेम्बर, तो वो आपको एज अ विज़िटर न्यूजीलैंड बुला सकता है, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है
कि अगर आपकी फैमिली मेंबर यहाँ पे कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, लाइक किसी की शादी है आपके फैमिली में से, या फिर बर्थडे है, या फिर किसी ने घर खरीदा है, इनॉग्रेशन है, या ऐसा कोई भी इवेंट होता है, सेलिब्रेशन होता है, उस कंडीशन में आप एज अ विजिटर यहाँ पे आ सकते हो। और एक चीज़ और, आप विजिटर वीज़े को वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि सिर्फ जो स्पाउसेस होते हैं, मान लीजिए अगर हस्बैंड यहाँ पे है तो वाइफ का विजिटर वीज़ा है वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क परमिट में, अगर वाइफ है तो हस्बैंड, ऐसे अगर आपका कोई भी स्पाउस है दोनों में से तो सिर्फ उसका, मोस्ट ऑफ द टाइम बोल रही हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, लेकिन फ्यूचर में काफ़ी सारी ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप स्टूडेंट आना चाहते हैं या सीधे वर्क परमिट, तो आपको वो दोनों वीडियो भी आपको इन फ्यूचर में मिलने वाली है डिटेल में, कैसे वीज़े अप्लाई होंगे और क्या एक्सपेंसेस होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।